कितना अनोखा बंधन है ये तेरी मेरी जान। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने फ़ोटो के साथ या फिर किसी भी दूसरे फ़ोटो के साथ कुछ इस प्रकार का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो गाइज, अगर आप भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो गाइज, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइज, अभी आपको अपना काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहां से नंबर 2 वाले 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहां से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको इमेज असिस्ट पे आ जाना है एंड यहाँ से आपको ब्लैक बैकग्राउंड के एक इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेना है एंड ऐड करने के बाद नीचे देख रहे हैं तो ब्लैक लेयर आ रहा है, आपको इसी लेयर पे क्लिक करना है एंड इसका जो ड्यूरेशन है आपको 12 सेकंड तक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको राइट करना है एंड शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद अभी आपको लेयर पे जाना है एंड मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अभी आपको चले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो, उसे डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पर उसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद साइड से नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से साइड वाले नंबर 2 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ ऊपर से एक बार बैक आना है एंड वीडियो को आगे बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद साइड से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रोमा की का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो की कलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से आपको राइट कर देना है। राइट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं जो ये सेकंड वाली लाइन है इसको आपको जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है अपने हिसाब से, यहाँ पर 60 कर देना है। उसके बाद यहाँ से राइट करना है। राइट करने के बाद अभी आपको वीडियो में थोड़ा सा आगे आ जाना है। आने के बाद लेयर पे जाना है एंड मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अभी आपको चले जाना है अपनी गैलरी में एंड गैलरी में जाने के बाद वहां से कोई भी एक फ़ोटो को यहां पे ऐड कर लीजिएगा। फ़ोटो ऐड करने के बाद इसका जो ड्यूरेशन है सबसे पहले आपको वीडियो तक कर देना है। वीडियो तक करने के बाद यहां कोने में आप 3 डॉट देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहां से आपको सेंड टू बैक कर देना है। उसके बाद इसको अपनी उंगली की मदद से कुछ इस प्रकार से सही तरीके से यहां पे एडजस्ट कर लेना है जितने पे आप करना चाहते हैं। यहां कोने में देख रहे हैं क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है एंड इसको यहाँ से कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ ऊपर से एक बार आपको बैक आ जाना है एंड बैक आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है वीडियो पे। वीडियो में देखेंगे यहाँ पे आपको पूरा 8 सेकंड पे आ जाना है, पूरा आपको 8 सेकंड पे ही आना है, जितने पे मैं आ रहा हूँ आपको इतना ही बिल्कुल आ जाना है। इतने पे आने के बाद यहाँ से आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कैंची का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको नंबर 3 वाले को स्प्लिट वाले को सिलेक्ट कर लेना है। कट करने के बाद वीडियो को हल्का सा थोड़ा सा एकदम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा और इसको यहाँ पे जितना ये है इसको स्क्रीन तक पूरा कर देना है कुछ इतने पे। इतना करने के बाद इमेज के शुरू में आना है एंड शुरू में आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं चाबी का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद अभी इमेज के लास्ट में आना है एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस का आइकन, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड इसको भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसे भी कम कर देना है, इसको उतना कर देना है फ्रेम के हिसाब से एंड यहाँ से राइट करना है। राइट करने के बाद वीडियो के शुरू में आ जाना है। अभी आपको लेयर पे जाना है एंड लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको चले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक टेस्ट PNG, उसे डाउनलोड कर लेना है एंड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे उसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको यहाँ पर बीचों बीच मिला के पूरा एडजस्ट कर देना है अपने हिसाब से एंड इसका जो ड्यूरेशन है आपको पूरा वीडियो तक कर देना है एंड यहाँ से राइट कर देना है। तो गाइज, अभी आपको वीडियो के शुरू में आ जाना है एंड शुरू में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ साइड से देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको सॉन्ग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक सॉन्ग वीडियो, उसे डाउनलोड कर लेना है एंड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर उसे ऐड
कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस का आइकन आ रहा है, यहाँ पे आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपको इसी लेयर पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको लास्ट में आ जाना है। एंड लास्ट में आने के बाद अपने उंगली की मदद से कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसे कट कर लेना है एंड यहाँ पे इसे राइट कर देना है। अभी आप देखेंगे तो हमारा जो वीडियो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बन करके रेडी हो चुका है। तो गाइज अभी इस वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ कोने में एक्सपोर्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद HD को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, सेव एज वीडियो पर क्लिक कर देना है और यह वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।